हाय बच्चों, हम पढ़ रहे हैं असंगत को अलग करना। इसके पहले हमने 4 क्लास पढ़ा दिया है और आप लोग उसको जाके पहले देखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से देखेंगे। अब हम करवाएंगे अभ्यास प्रश्नावली, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, इसके बाद में देखेंगे उसके आगे। हाय बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला। तो इसमें जो है ये चांद का आकार का बना हुआ है, सूर्य के आकार का बना हुआ है, त्रिभुज, और ये एक आकार बना हुआ है गोले जैसा या मटकी जैसा दिख रहा है। तो इसमें ये सभी चमकने वाला है, ये त्रिभुज जो लगा रहता है रोड के किनारे उनारे पे लगा रहता है, रेडियम रहता है उसमें, चमकता भी है वो भी। तो चंद्रमा, सूर्य और ये भी चमकता है, ये नहीं चमकता है, इस वजह से आंसर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो में यहाँ पे घड़ी दिख रहा होगा। तो घड़ी जो है इसमें देखिए, ये छोटी वाली सुई घंटा को दर्शाता है और बड़ी वाली सुई मिनट को दर्शाता है। तो इसमें 3 बज रहा है, इसमें दूसरे में 9 बज रहा है, तीसरे में 3 बज रहा है और चौथे में भी 3 बज रहा है। तो इसमें 9 बज रहा है तो अलग यही है, तो इस वजह से उत्तर के रूप में हम लोग इसी को दो को लगाएंगे, ठीक है? हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे वृत्त बना हुआ है तीन, इसमें दो दो आकृति बन रहा है इस प्रकार से, एक दो, ठीक है, जो एक दूसरे को काट रहे हैं वृत्त को, वृत्त, ठीक है? तो यहाँ पे एक दो इसमें बन रहा है, इस वाले में देखेंगे इसमें भी एक दो इसमें भी बन रहा है, और इस वाले में देखेंगे एक दो इसमें भी बन रहा है दो, लेकिन इस वाले में तीन बन रहा है। देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे ये वाला तीन, ठीक है? तो ये इसमें तीन बन रहा है, इस वजह से उत्तर के रूप में हम लोग इसको लगाएंगे, ठीक है, 4 नंबर को। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार इसमें एक है तीर जैसा दिख रहा हो, कुछ आकृति, मतलब ये त्रिभुज, इसमें भी सेम टू सेम आकार का बना हुआ है। इसमें एक त्रिभुज जैसा बना हुआ है, एक वर्ग जैसा बना हुआ है, यानी कि अलग है दोनों। इसमें भी यही आकृति इसमें भी बना हुआ है और यही आकृति इसमें भी बना हुआ है, मतलब इन तीनों में सेम आकृति बना हुआ है, इस वाले में अलग है। तो आंसर ग्रुप में हम लोग इसी को 1 नंबर को लगाएंगे, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर पाँच को। क्वेश्चन नंबर पाँच क्या कह रहा है? इसमें एक वृत्त बना हुआ है कालिक, जो इसके इस साइड में दाएं साइड में लगा हुआ है, और इस वाले में इसमें बाएं साइड में लगा हुआ है, इसमें भी दाएं साइड, इसमें भी दाएं साइड, मतलब इसमें इसमें और इसमें, सभी में जो है कालिक जो है दाएं साइड में लगा हुआ है, लेकिन इस वाले में जो है दूसरे वाले में एक कालिक जो है बाएं साइड लगा हुआ है, तो ये अलग है, उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर छः। मैम इसमें देखिए हम लोग को अक्षर मैच करवाना है, जो अक्षर जिसमें नहीं मैच करेगा उत्तर के रूप में हम लोग उसी को लगाएंगे, ठीक है? तो इसमें यस है, इसमें भी यस है, इसमें भी यस, इसमें भी यस, ठीक है, यस वाला ठीक हो गया। यू यू इसमें देखिए यू नहीं है और इसमें यू है, तो यू जिसमें यू नहीं है इसी को हम लोग आंसर लगाएंगे। अब इसमें यन देख ले रहे हैं, यन इसमें भी है, यन इसमें भी, यन इसमें भी, यन इसमें भी, तो सभी में यन है, सभी में सब कुछ है, यू नहीं था इसमें, इस वजह से आंसर के रूप में हम लोग लगा दिए, ठीक है, जो अलग है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सात में क्या कर रहा है? इसमें हम लोग रेखा गिनेंगे, ये जो है अंग्रेजी का अक्षर बना हुआ है लेकिन हम लोग इसमें रेखा गिनेंगे। तो इसमें है रेखा की संख्या एक, यहाँ पे दो, ये तीन, ठीक है, इस प्रकार से एक, इस प्रकार से दो, इस प्रकार से तीन, ठीक है? इसमें एक दो ये वाला पूरा बड़ा वाला तीन, इस वाले में देखेंगे ये बड़ा वाला एक, ये दो, ये तीन, इसमें भी तीन हो गया। अब इसमें देखेंगे एक, इसमें ये दो, तीन, चार, इसमें चार है, बाकी सभी में तीन है, तो इस वजह से आंसर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे, ठीक है, जिसमें अलग है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आठ को। क्वेश्चन नंबर आठ क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर आठ में देखेंगे यहाँ पे तीर लगा हुआ है, साथ में बिंदु लगा हुआ है उसके नीचे, जैसे तीन तीर है, एक दो तीन बिंदु, इसमें तीन तीर है, एक दो दो बिंदु, इसमें तीर लगा हुआ है, एक दो तीन बिंदु, इसमें तीर लगा हुआ है, तीन तीर, एक दो तीन, तीन बिंदु भी है, तो इस वाले में दो है, तो इस वजह से आंसर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर नौ। क्वेश्चन नंबर नौ में क्या है? इसमें जो है एक आकृति बना हुआ है और इसमें जो है ये इसका जो नोक है अंदर की तरफ लगा हुआ है, ठीक है, इसका जो कोना है अंदर की तरफ है, इसमें भी सेम आकृति बना हुआ है, कोना अंदर की तरफ है,
इसमें भी सेम आकृति है, लेकिन इसमें जो है एक का कोना बाहर की तरफ है, बाकी सभी का अंदर की तरफ है। इस वाले में देखेंगे, इस वाले में सभी का अंदर अंदर की तरफ है जो कोना है, तो इसमें अलग है, इस वजह से आंसर यही सही है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में ये एक तीर लगा हुआ है इस प्रकार से, मतलब इस साइड में, दाएं साइड में जा रहा है। सेम आकृति इसमें भी है, सेम आकृति इसमें भी है, लेकिन चौथे में ये उल्टे साइड में जा रहा है। अगर ये दाएं साइड में जा रहा है तो ये बाएं साइड में जा रहा है, तो ये अलग है, इस वजह से आंसर इसी को लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इसमें तीन गुलाब दिया हुआ है, इसमें भी तीन गुलाब, इसमें भी और इसमें भी, तो देखेंगे अंतर क्या है इसमें। तो यहाँ पे जो है अंतर क्या दिख रहा है, 1 2 3, मतलब दो गुलाब ऊपर की तरफ, एक गुलाब इन दोनों के बीच में नीचे की तरफ। ठीक है, इसमें भी सेम आकृति बना हुआ है, वैसे किया हुआ है, लेकिन तीसरे वाले में क्या कर रहा है? तीसरे वाले में कर रहा है ये बीच में ना करके ये एक साइड में कर दिया है, और ये अंतर है, और इसमें भी वैसे सेम टू सेम है जैसे कि इस वाले में, इन दोनों में है, तो इस वजह से ये अलग है, और आंसर के रूप में हम लोग इसी को, ऑप्शन नंबर 3 को लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें कुछ आकृति दिया हुआ है, एक रेखा बना हुआ है, तीर लगा हुआ है, फिर रेखा है, सीधी रेखा, इसमें भी सीधी रेखा, लेकिन ये रेखा जो है तिरछा है। ठीक है, ये रेखा इस प्रकार से बन रहा है, तो ये अलग रेखा बना हुआ है, इस वजह से उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे। ठीक है, उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे। अब जो है हम लोग अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ये वर्ग बना हुआ है, फिर वर्ग बना हुआ है, फिर इसके बीच में एक गोला बना हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, गोला बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ, त्रिभुज बना, बीच में त्रिभुज ही है, इसमें वर्ग बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है, बीच में गोला बना हुआ है, तो इसमें आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा जो आकृति बाहर है वही आकृति अंदर है, लेकिन बीच में गोला है, इसमें भी वैसे ही है, लेकिन इस वाले में गोले के स्थान पर क्या है, त्रिभुज है, इस वाले में भी गोला है, यानी कि सभी समान है, लेकिन ये वाला अलग है, उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ये स्टार बना हुआ है, इसके नीचे जो है पेंट किया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, उसके सामने, इन दोनों के बीच में एकदम सामने यहाँ पे भी पेंट है, मतलब तीन साइड में पेंट है, कलर किया हुआ है। अब इस वाले में, तीसरे वाले में देखेंगे, इसमें भी सेम आकृति है और इसमें भी सेम आकृति है। ठीक है, लेकिन इस वाले में देखिए ये पेंट यहाँ पे हुआ है, लेकिन इस वाले में जो है पेंट ऊपर की तरफ हुआ है, और यहाँ पे ये वाला सही है, तो इस वजह से अलग है, और इस वजह से हम लोग उत्तर के रूप में इसी को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों इसमें जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में, यहाँ पे ये स्वास्तिक का चिन्ह जैसे दिख रहा है, और दो बिंदु सभी में लगा हुआ है, और इसमें हम लोग देखेंगे ये जो है तीर जो है ये प्लस बना हुआ है, तीर इस साइड में बड़ा हुआ है, फिर ये तीर इस साइड में, फिर तीर इस साइड में, फिर जो है रेखा इस साइड में, मतलब ये इस प्रकार से घुमा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से घुमा हुआ है, लेकिन इस वाले चित्र में देखिए चित्र जो है रेखा इस साइड में बड़ा हुआ है, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, मतलब ये इस साइड में रोटेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे चित्र सेम टू सेम यहाँ पे बना हुआ है, फिर यही चित्र सेम टू सेम यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये वाला फिगर जो है इस साइड में घुमा हुआ है, तो इस वजह से आंसर के रूप में हम लोग इसको लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए देखते हैं हम लोग क्या इसमें आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो है अक्षर दिया हुआ है, तो इसमें जो है TREE दिया हुआ है, तो चलिए ठीक है हम लोग मैच करवाते हैं। तो टी टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है। ठीक है, आर आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, सभी में आर है। अब दो ई इसमें है, दो ई इसमें है, और दो ई इसमें भी है, लेकिन इसमें एक ई है, दो क्या है, टी, तो इसमें अलग है, जबकि दो इसमें दो ई होना चाहिए था, तो आंसर यही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में जो है बच्चों यहाँ पे वृत्त बना हुआ है, अंदर जो है वर्ग बना हुआ है, इसमें जो है वृत्त बना हुआ है, अंदर षष्ठभुज बना हुआ है, मतलब ये इसमें दिख रहा है
कि जो बाहर बना हुआ है अंदर उससे अलग बना हुआ है। जैसे यहाँ पे वृत्त है तो अंदर वर्ग है, इसमें वृत्त है तो षष्ठभुज है, इसमें पंचभुज है और अंदर भी पंचभुज ही है, मतलब सेम है। अब इस वाले में बाहर जो है वर्ग बना हुआ है, अंदर जो है वृत्त है, तो यानी कि सभी जो है अलग अलग है, मतलब जो बना हुआ है वो एक दूसरे से अलग है, लेकिन इस वाले में जो बना हुआ है दोनों समान है, तो उत्तर यही होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, यहाँ पे एक चित्र फिगर बना हुआ है, यही फिगर क्या है, ये वर्ग है, इसके अंदर त्रिभुज बना हुआ है, फिर यही फिगर पूरा घुमा दिया थोड़ा सा इस साइड में, फिर यही फिगर थोड़ा सा और घुमा दिया इस साइड में। इस वाले में देखिए, इस वाले में क्या है, इस वाले में क्या है, ये है अष्टभुज, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसके 8 भुजा होता है उसे अष्टभुज कहते हैं, इसके अंदर त्रिभुज बना हुआ है, तो इस सभी में चतुर्भुज है, इसमें अष्टभुज है, तो इस वजह से ये अलग है और उत्तर भी यही होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, यहाँ पे एक घड़ा है और यहाँ पे गिलास है, फिर घड़ा है, फिर घड़ा है, तो यहाँ पे सभी में पानी भरा हुआ है, लेकिन ये गिलास है इससे बहुत ज़्यादा अलग है, तो उत्तर के रूप में हम लोग इसी गिलास पर लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, इसमें देखिए समानता दिख रहा है, क्या समान दिख रहा है, ये तीर इसमें भी समान लगा हुआ है, इसमें भी समान लगा हुआ है, इसमें भी, इसमें भी, तीर एकदम समान है, तो अंतर इन्हीं दोनों में होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम अंतर ढूंढेंगे, तो यहाँ पे क्या है, वर्ग है, यहाँ पे जो है वृत्त है, यहाँ पे वृत्त है, यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे वृत्त है, यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे वृत्त है, यहाँ पे वर्ग है, तो अंतर इसी वाले में है, यहाँ पे वृत्त है, यहाँ पे वर्ग है, और इसमें क्या कर रहा है, जहाँ पे इसमें वृत्त है वहाँ पे इसमें वर्ग दे दिया, तो यही अंतर है, यहाँ पे वृत्त होना चाहिए था, यहाँ पे वर्ग होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये अलग है, तो उत्तर हम लोग यही लगाएंगे। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, इसमें जो है ये फूल की तरह दिख रहा होगा, ये आप लोग फूल ही समझिए, तो इसमें दो पत्ती वाला फूल है, तो इसके बीच में कुछ कालिक जैसा लगा हुआ है, इसमें चार है तो अंदर चार बना हुआ है, इस वाले में तीन है तो अंदर तीन बना हुआ है, इस वाले में 1 2 3 4 5, तो इसमें पांच है, तो इसमें जो है पांच है तो इसमें अंदर पांच होना चाहिए था, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं है, तो इस वजह से आंसर के रूप में हम लोग इसको लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अब हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 22 में इसमें जो है एक आयत बना हुआ है और इसमें इस प्रकार से जो है विकर्ण बना हुआ है, इसके बाद में यहाँ पे एक बिंदु लगा हुआ है, फिर इसमें भी सेम आकृति बना हुआ है, बिंदु लगा हुआ है, और चौथे में भी सेम आकृति बना हुआ है और बिंदु लगा हुआ है, लेकिन इस वाले में विकर्ण इस साइड में लगा हुआ है और बिंदु उल्टे साइड में लगा हुआ है, तो ये अलग दिख रहा है इस प्रकार से। देखिए आप लोग को बिंदु इस साइड में, बिंदु इस साइड में, बिंदु इस साइड में, लेकिन बिंदु इसमें इस साइड में है, इस वजह से ये अलग है और उत्तर के रूप में हम लोग इसको लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, चलो चेक करते हैं। तो इसमें क्या है, षष्ठभुज यानी कि जिसके 6 भुजा होती हैं, ठीक है, वो भुजा बना हुआ है, तो 6 भुजा वाला आकृति बना हुआ है इसमें, और ये एक एक रेखा यहाँ पे बना हुआ है, एक रेखा यहाँ पे बना हुआ है, मतलब जो भी रेखा बना हुआ है आपस में काट रही हैं। अब इसमें देखेंगे, इसमें भी वही आकृति बना हुआ है और एक रेखा इसमें दो जगह काट रही है, इसमें भी आकृति इसको भी काट रहा है एक रेखा, ठीक है, लेकिन इस वाले में देखिए आकृति सेम है, इसमें एक ही रेखा होने की वजह से इसको एक रेखा और कहीं पे होता तो काट देता तो समान हो जाता, इसमें एक ही रेखा है और कहीं पे कटा नहीं है, तो इस वजह से ये अलग है और उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 24। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो है तारे का चिन्ह बना हुआ है जिसे स्टार कहते हैं, तारा बना हुआ है, तो इसके बाहर के साइड में बिंदु लगा हुआ है, इसमें भी बाहर के साइड में बिंदु लगा हुआ है, इस वाले आकृति में भी बाहर के साइड में बिंदु लगा हुआ है, लेकिन चौथे वाले में आप लोग देखिए अच्छे से, चौथे वाले में क्या कर रहा है ये, इसमें ये कर रहा है कि ये जो है अंदर बिंदु लगा हुआ है, तो ये अलग है अंदर बिंदु होने की वजह से, तो उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इसमें जो है एक मुख जैसा आकृति बना हुआ, ऊपर जो है ये जो चुरकी जैसा आकृति बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो है दाएं साइड में झुका हुआ है,
तीसरे वाले में भी दाएं साइड में झुका हुआ और इस वाले में भी दाएं साइड में झुका हुआ, चौथे में भी। लेकिन दूसरे वाले में, दूसरे ऑप्शन में जो है ये चुरकी जो है बाएं साइड में झुका हुआ, मतलब इस साइड में झुका हुआ है, ठीक है। इस वजह से झुकाव सभी का एक साइड में है और इसका दूसरे साइड में है, इस वजह से उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में ये आकृति बना हुआ है, आप लोगों को चित्र दिख रहा होगा, यही आकृति सेम टू सेम इसमें भी बना हुआ है, यही आकृति सेम टू सेम नंबर 4 में भी बना हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में जो है आकृति जो ये रेखाएं बनी हुई हैं इसमें रेखाएं ना होके पूरा कालिक पोती हुई है, ठीक है। तो इस ये अंतर है और इसी को हम उत्तर लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है ये, इसमें जो है एक रेखाओं से बना हुआ चित्र दिख रहा होगा, ठीक है, रेखाओं से बना हुआ। इसमें जो है जो भी चित्र बना हुआ है, यानी कि वर्ग बना हुआ, विकर्ण बना हुआ है, रेखाओं से बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, बीच से कटा हुआ है, रेखा से बना हुआ है, इसमें भी छह भुजा बना हुआ है और रेखा बना हुआ है, और इस वाले में जो है एक रेखा तो बना हुआ है रेखा से, लेकिन इसमें जो है ये वृत्त जो है रेखा नहीं होता है, ये वृत्त होता है, घुमा रहता है, इस वजह से ये अलग है और उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पे आकार बना हुआ है, चार बिंदु लगा हुआ है, इसमें भी कुछ आकार बना हुआ है और चार बिंदु, उसी में जो आकार बना हुआ है उसके बीच में बिंदु लगा हुआ है, इसमें भी कुछ आकार बना हुआ है उसके बीच में बिंदु लगा हुआ है, लेकिन इस वाले में बिंदु ना लग के क्या बना हुआ है, रेखा लगा हुआ है, छोटे छोटे से रेखाएँ बने हुए हैं, तो इसमें जो है अंतर यही है और उत्तर भी यही है, तो उत्तर यही लगाएंगे, ठीक है, इसका वी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में इसमें जो है एक तीर लगा हुआ है और एक इस प्रकार से चित्र बना हुआ है, उसमें दो बिंदु बने हुए हैं, ठीक है, इसमें भी देख रहे हैं दो बिंदु, इसमें एक बिंदु, यहाँ पे दो बिंदु, इसमें भी दो बिंदु, मतलब पहला दूसरा और चौथा समान है, लेकिन तीसरा में असंगत क्या है, असंगत इसमें सभी में दो दो बिंदु है, इसमें ऊपर वाले में एक बिंदु है, यही असंगत है और उत्तर भी यही है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में इसमें जो है ये जो कोना है ये आपस में आके मिल रहे हैं, यानी कि एक ही साइड में है, चलिए ठीक है, इसमें आपस में मिल रहे हैं, इसमें कोना एक ही साइड में है लेकिन आपस में मिल नहीं रहे हैं, इसमें भी यही आकृति तीसरे में भी है और यही आकृति चौथे में भी है, ठीक है, ये आपस में सट रहे हैं यानी कि मिल रहे हैं, तो इस वजह से ये अलग है, ठीक है, तो उत्तर भी यही होगा, ठीक है। लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दूध गाय भैंस बकरी, दूध गाय भैंस बकरी, यानी कि बकरी भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है और गाय भी दूध देती है, लेकिन दूध जो है दूध अलग है, क्योंकि ये निकाला हुआ है, ये सब ये दूध देने वाली पशुएं हैं, ठीक है, ये दूध अलग है, तो ये जो कोई जानवर है नहीं है, ये सभी पशु हैं, ये पशु है नहीं, तो इस वजह से ये अलग है, तो उत्तर के रूप में हम लोग दूध लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, यहाँ पे चंदन है, कमल है, गेंदा है, गुलाब है, तो ये कमल का फूल होता है, गेंदा का फूल होता है और गुलाब का फूल होता है, लेकिन ये चंदन है, चंदन का लकड़ी होता है, ठीक है, चंदन का पेड़ होता है, इस वजह से उत्तर के रूप में हम लोग इसको लगाएंगे चंदन को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और भूगोल, तो ये सब विज्ञान है, ये भूगोल अलग है, ठीक है, ये जो है जीवों के बारे में बताता है, ये भौतिक विज्ञान जो है जो मशीनें किसी न किसी प्रकार से बनी हुई हैं वो भौतिक विज्ञान में आती हैं, और रासायनिक विज्ञान मतलब जैसे दूध से दही जो बनता है वो रासायनिक विज्ञान में आता है, सभी विज्ञान जो होता है, ये भूगोल जो है ये जो है पृथ्वी के बारे में नॉलेज देता है, अध्ययन किया जाता है, इस वजह से अलग ये है और उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है ये, यहाँ पे रूस है, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, तो रूस, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, तो इसमें क्या कर रहा है, ये रूस देश है और अफ्रीका जो है एक महाद्वीप है, एशिया भी महाद्वीप है और यूरोप भी महाद्वीप है, लेकिन रूस जो है देश है, ये सब महाद्वीप हैं,
ये बड़ा होता है, कई देशों को मिला के बनाया जाता है अलग अलग, ये रूस एक अकेला देश है, तो इस वजह से ये देश होने की वजह से आंसर के रूप में इसी को लगाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कर रहा है, ये जो है एक चित्र बना हुआ है पंचभुज का, ऊपर से ऐसे करके आवरण लगा हुआ है। ठीक है, इसमें चतुर्भुज, इसके ऊपर से घेरा लगा हुआ है, त्रिभुज घेरा लगा हुआ है, ये जो है चतुर्भुज घेरा लगा हुआ है। तो हम लोग को ये देखने में समझ में आ रहा है कि जो चित्र है ये अगर चतुर्भुज है तो इसमें घेरा तीन तरफ से लगा हुआ है, यानी कि एक कम है रेखा। इसमें त्रिभुज है तो इसमें दो तरफ से घेरा लगा हुआ है, ये चतुर्भुज है तो इसमें तीन तरफ से लगा हुआ है, यानी कि एक तरफ से सिर्फ खुला हुआ है। लेकिन इस वाले में देखिए, ये पंचभुज है लेकिन ये तीन तरफ से घेरा हुआ है, इसको जबकि चार तरफ से घिरना चाहिए था। तो इसमें से ये तरफ खुला हुआ है और ये तरफ खुला हुआ है, तो ये दो तरफ से खुला हुआ है, इस वजह से आंसर के रूप में हम लोग इसको लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कर रहा है, यहाँ पे वृत्त बना हुआ है, यहाँ पे जो है वर्ग बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है। तो ये जो है सभी रेखाओं से मिलकर बने हुए हैं तीनों, और ये जो है अलग अलग बना हुआ है, ये रेखाओं से नहीं बनता है, इस वजह से ये आंसर के रूप में हम लोग एक को लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोग चलो देखते हैं कि आंसर के रूप में क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे एक वर्ग था, 20 से चार भागों में कटा हुआ है, और यहाँ पे दो मतलब ऐसे रेखाएं खींची हुई हैं। ठीक है, इसके कोने के साइड में बीच में आप लोग को दिख रहा होगा कैसे कैसे एक किनारे पे मिला हुआ है, मतलब बीच में इसका कोना, सभी का कोना बीच में आ रहा है। इसको भी वैसे ही काटा गया है लेकिन इसका कोना बीच में आ रहा है, इसको भी वैसे ही काटा गया है बीच में कोना आ रहा है, लेकिन इसको जो है काटा तो चार ही भागों में गया है लेकिन इसका कोना इस साइड में होना चाहिए था बीच में, लेकिन इसको ये बाहर की तरफ रखा हुआ है, कोना बाहर की तरफ है, इस वजह से ये अलग है और आंसर के रूप में हम लोग इसको लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 में चलिए ठीक है हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है इसमें। इसमें देखिए वृत्त बना हुआ है, सभी में वृत्त बना हुआ है लेकिन इसमें जो है बिंदु लगा हुआ है, तो इसमें बीच में बिंदु कितना है, तीन है, बाहर कितना है, चार है। ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक है चार है। इसमें जो है बीच में बिंदु कितना है, दो, एक दो, और बाहर कितना है, एक दो तीन, मतलब इन दोनों से समझ में आ रहा है कि जो जितना बिंदु अंदर है उससे एक बिंदु ज़्यादा बाहर है। ठीक है, जैसे इसमें तीन है तो बाहर चार है, इसमें दो है तो बाहर तीन है, इस वाले में बाहर एक है अंदर एक है तो बाहर दो है, इस वाले में देखिए अंदर कितना, एक दो तीन चार, यानी कि अंदर चार है तो बाहर कितना होना चाहिए, पाँच। अब इसमें क्या है, एक दो तीन चार, तो इसमें अंदर भी चार है और बाहर भी चार है, इस वजह से आंसर के रूप में हम लोग इसको लगाएंगे क्योंकि ये अलग है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या कर रहा है, अब ये जो रेखाएं बनी हुई हैं, एक दो तीन, तीन रेखाएं हैं, इसको तिरछी रेखाएं कितनी काट रही हैं, चार, एक दो तीन चार, मतलब ये तीन रेखाएं हैं तो तिरछी रेखाएं चार है, इसमें दो रेखाएं हैं तिरछी रेखाएं तीन है, एक दो तीन। ठीक है, इसमें एक रेखाएं हैं तिरछी रेखाएं कितनी है, दो, एक दो। अब इसमें दो रेखाएं तिरछी, दो रेखाएं जो है ये जो है इस साइड में बनी हुई हैं, तो इसमें दो दो, यानी कि दोनों बराबर है, अलग दिख रहा है, तो आंसर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 में ये सर्किल बना हुआ है और घूम भी रहा है। ठीक है, और इसमें जो है देखिए यहाँ से ऐसे निकला है और ऐसे करके घूम रहा है, मतलब इस साइड में घूम रहा है। ठीक है, और इसमें भी देखिए ऐसे करके घूम रहा है इस साइड में, मतलब जो घूम रहा है ऐसे घूम रहा है, बाएं साइड से घूम रहा है। ठीक है, लेकिन तीसरे वाले में आप लोग देखिए ये इस साइड दाहिने साइड में घूम रहा है और अंदर की तरफ तीर लगा हुआ है, मतलब सभी बाएं साइड में घूम रहे हैं और ये दाएं साइड में घूम रहा है, तो उत्तर हम लोग इसी को लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में वृत्त बना हुआ है, इसको दो भागों में बटा हुआ है और एक जो है कालिक लगा हुआ है। ठीक है, एक साइड में, अब इसमें भी वही चित्र, इसमें भी वही चित्र, इसमें भी वही चित्र, तो हम लोग देखेंगे इसमें अंतर क्या है। तो इसमें देखेंगे कालिक जो है बाएं साइड में लगा हुआ है, मतलब ये दाहिने साइड मान लीजिए, इसको बाएं साइड मान लीजिए, तो इस लाइन के ये दाहिने साइड में बाएं साइड में कालिक लगा हुआ है, इस वाले में भी बाएं साइड में कालिक लगा हुआ है, इस वाले में भी बाएं साइड में कालिक लगा हुआ है, लेकिन इस वाले में देखिए इसको ये बाएं साइड ये है, दाहिना साइड ये है, तो इसमें दाहिने साइड में कालिक लगा हुआ है,
इस वजह से आंसर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे, क्योंकि अंतर अच्छे से स्पष्ट रूप में दिख रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। यहाँ पे कुछ कीड़ा दिख रहा है, यहाँ पे तितली दिख रहा है उड़ने वाला, यहाँ पे कीड़ा है, यहाँ पे बिच्छू है, तो ये सभी रेंगने वाले जो है कीड़ा दिख रहे हैं। ये कीड़ा तो है लेकिन ये उड़ने वाला है, तो ये उड़ सकता है, बाकी सभी रेंगते हैं जमीन पे, तो इस वजह से ये अलग है। उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, स्टार बना हुआ है और चारों में स्टार बना हुआ है, तो इसमें कालिक लगा हुआ है, ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे एक लगा हुआ है, एक ऊपर लगा हुआ है तिरछे करके, और नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे सेम टू सेम जगह पे लगा हुआ है, इस वाले में भी सेम जगह पे लगा हुआ है, लेकिन इस वाले में देखिए चार नंबर में, ऑप्शन नंबर चार में, तो इसमें जो है यहाँ नीचे कालिक लगा होना चाहिए था, लेकिन इसमें नीचे लगाने के बजाय ऊपर लगा दिया है, और अंतर यही है, तो उत्तर भी यही होगा। इसमें अंतर है, जिसमें अंतर होगा उत्तर वही होगा, तो ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 में वृत्त बना हुआ है, एक जीवा बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, एक व्यास बना हुआ है, वृत्त व्यास, वृत्त व्यास, जो बीच से एकदम बीचों बीच होकर जाता है उसको व्यास कहते हैं, और जो बीच से ना होकर ऊपर नीचे होकर जाता है उसको जीवा कहते हैं। तो इस सभी में व्यास है, इस वाले में जीवा है, यानी कि बीच से ना होकर थोड़ा सा ऊपर से होकर गुजर रहा है इसमें रेखा, तो इस वजह से आंसर यही होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में ये षष्ठभुज यानी कि छह भुजाओं वाला आकृति बना हुआ है और सभी एक दूसरे के अंदर लगे हुए हैं, ये त्रिभुज है, इसमें भी एक दूसरे के अंदर लगे हुए हैं, और ये आकृति बना हुआ है, ये भी एक दूसरे के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन इस वाले में वर्ग बना हुआ है, एक तो लगा हुआ है लेकिन ये जो है तीसरा जो है अलग कर दिया है, दूर कर दिया है, इसके अंदर होना चाहिए था थोड़ा सा, और ये नहीं है, इस वजह से ये अलग है। उत्तर के रूप में इसी को लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 में ये षष्ठभुज है, छह भुजाओं वाला, इसके अंदर वर्ग बना हुआ है, एक आकृति बना हुआ है, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा देखिए इसके ऊपर है, इस वाले में, पहले वाले में वर्ग में सटा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, इस वाले में देखेंगे सटा हुआ है, इसमें भी सटा हुआ है, इसमें भी सटा हुआ है, और बाकी सभी चित्र समान हैं, तो इसमें सटा है, इसमें सटा है, इसमें सटा है, लेकिन इस वाले में सटा हुआ नहीं है, मानी कि अलग है, तो इस अलग है और सटा हुआ नहीं है, तो उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, ये आकृति डमरू जैसा आकृति जो बना हुआ है सभी में बना हुआ है, और ये चिन्ह ऐसे बना हुआ है, इसमें भी सेम आकृति और इसमें भी सेम आकार बना हुआ है, लेकिन इसमें ऊपर के साइड में बना हुआ है, नीचे के साइड में नहीं बना हुआ है, इस वजह से आंसर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 को, क्वेश्चन नंबर 48 जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कर रहा है, ये आकार बना हुआ है, फिर त्रिभुज, ये मतलब जो यहाँ पे जो भाग है कट के यहाँ पे रख दिया है काट के, ठीक है, यानी कि ये जो चित्र बना हुआ है इससे अलग ये बनाया हुआ है, ये जो चित्र बना हुआ है इससे अलग ये बना हुआ है, ये जो चित्र बना हुआ है इससे अलग ये बना हुआ है, लेकिन ये वाला चित्र एकदम समान है, समान एक दूसरे से एकदम मिलता जुलता है, मिल रहा है, एकदम समान है, तो इस वजह से ये अलग है, उत्तर भी हमारा यही होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कर रहा है, इसमें गुणा भाग वर्ग और गोला बना हुआ है, इसमें भी वही गुणा भाग वर्ग गोला, इस वाले में भी गुणा भाग वर्ग गोला, लेकिन इस वाले में गोले यानी कि ये मुख जैसा एक आकृति बना हुआ है, ये इसमें समानता नहीं दिख रहा है, अलग है, इस वजह से आंसर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 को, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 में त्रिभुज बना हुआ है और इसमें एक जो झंडे जैसा दिख रहा है, ये भी त्रिभुज ही है, तो इसको ऐसे घुमाया हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी वैसे सेम आकृति, इसमें भी सेम आकृति, इसमें भी सेम आकृति, लेकिन इस वाले में जो झंडे के स्थान पे या जो कलर किया हुआ त्रिभुज है इसके स्थान पे बिंदु लगाया हुआ है, तो इस वजह से ये अलग है और उत्तर भी यही होगा, ठीक है। आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।